बकरीद से पहले मीरा रोड की सोसाइटी में फिर हंगामा। सोसाइटी में कोई बकरा लेकर ना आए, इसलिए सोसाइटी की तरफ से की जा रही थी गाड़ियों की चेकिंग। हुआ बवाल, पुलिस ने शांत कराया माहौल। घरों की कीमतों में पूरी दुनिया में मुंबई तीसरे नंबर पर, दिल्ली को मिला पांचवा स्थान। राज्य में मूसलाधार बारिश, भीड़ हिंगोली में बादल फटने जैसी स्थिति, नदी नालों में बाढ़, कई गांवों का संपर्क टूटा। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में 3 मंजिला इमारत की दीवार ढही, 2 महिलाओं की मौत, राहत का काम जारी। विधानसभा चुनाव में MVS अलग होकर लड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे, उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू। लोकसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी की पहली बैठक आज, सभी दलों के बड़े नेता हुए शामिल। उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर 2000 रुपए का जुर्माना, मानहानि मामले में कोर्ट ने ठोका फाइल। हाजी अली से वर्ली तक मिनटों में, सीलिंग से मरीन ड्राइव कोस्टल रोड 10 जुलाई तक हो जाएगा शुरू। मुंबई से कोल्हापुर जा रही कोयना एक्सप्रेस ट्रेन से कटी बच्ची समेत 3 महिलाएं, हादसा या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। आइसक्रीम में इंसानी अंगूठे का टुकड़ा मिलने के मामले की जांच शुरू, मलाड में कंपनी के गोदाम से बटर स्कॉच फ्लेवर का कोन सख्त। कांग्रेस ने नहीं किया वो, मायूती सरकार कर रही है, वक्फ बोर्ड को अनुदान राशि देने पर बोले वीप नेता। कुवैत की इमारत में आग लगने से महाराष्ट्र के अकाउंटेंट की मौत, कई शवों की पहचान करना हुआ मुश्किल। मंत्रिमंडल में जगह चाहती है अजीत की पत्नी सुनीता पवार, राज्यसभा के जरिए संसद भेज रही NCP। मुंबई के चेंबूर में कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध, छात्र सीधा हाईकोर्ट पहुंचे, कॉलेज परिसर में पुलिस की मौजूदगी। 28 जून को पेश होगा महाराष्ट्र सरकार का आखिरी बजट, 27 जून से मॉनसून सत्र। मुंबई की ट्यूशन टीचर FB पर दोस्ती और गिफ्ट का झांसा, खुद को पायलट बताकर लाखों ठगे। पोर्श हादसे में नाबालिग की रिहाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, राहत नहीं। अपने उम्मीदवार की हार से निराश तो किसी को मराठा आरक्षण का तनाव, चुनाव के बाद महाराष्ट्र के बीड में सुसाइड कर रहे हैं लोग। पत्नी से तंग आकर मुंबई के कांस्टेबल ने की खुदकुशी, रोज होती थी लड़ाई। 40 साल हो गए, मेरी भी इच्छा थी राज्यसभा जाने की, भुजबल का छलका दर्द।